बस का ड्राइवर नशे में था, इसके साथ ही बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गया था। छुट्टी के बावजूद स्कूल खुला था। इसके बाद जो हुआ वो अब खबर है। हरियाणा के मनेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की बस पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई, जबकि 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मनेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना स्थित जीएल पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। गुरुवार सुबह बस 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस बीच गांव उहानी के पास ये हादसा हो गया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ, चीख पुकार मच गई। 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मनेंद्रगढ़ के SP अर्श वर्मा ने कहा कि 8:30 बजे की ये घटना है। ड्राइवर के शराब पीने की सूचना है, हम ड्राइवर का मेडिकल करवा रहे हैं। वो नशे में था या नहीं वो मेडिकल के बाद पता चलेगा। ज्यादा तेज गति में स्कूल बस चला रहा था, जिसकी वजह से बस रोड से फिसल गई और पेड़ से टकरा गई। उन्होंने कहा कि अभी तक 6 बच्चों की मौत की सूचना है। करीब 15 से 20 बच्चे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 1 से 2 बच्चे गंभीर हालत में हैं। ईद की सरकारी छुट्टी पर भी स्कूल लगाने पर SP ने कहा कि इस बारे में स्कूल अथॉरिटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान देखेंगे कि इस मामले में स्कूल की क्या जिम्मेदारी बनती है, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने के बारे में भी जांच की जाएगी। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा चित्रा ने फोन पर कहा कि DC और शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात जारी है। पूछने पर क्या छुट्टी के अगले दिन स्कूल लगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी चीजों का पता लगा रही हूं, उसके बाद कुछ मामले में बोल पाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो घटनास्थल का दौरा भी करेंगी। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, इसके बाद भी बस को चलाया जा रहा था। कनीना में स्थित स्कूल करीब 22 साल पुराना है, जो 12वीं कक्षा तक संचालित है। इस स्कूल के मालिक राजेंद्र लोढ़ा हैं, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं और नगर पालिका करीना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद तत्काल स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि बस चालक नशे की हालत में था। कुछ देर बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायल बच्चों का इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भेजा गया। स्थानीय लोगों के आरोपों के बाद पुलिस अब इस बात की भी जांच तेजी से कर रही है कि क्या बस चालक नशे में था या नहीं। हादसे के बाद बच्चों के रेस्क्यू करते हुए स्थानीय लोगों का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास खून से लथपथ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए भेजा जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।